जंगल में एक पेड़ पर एक बाज ने अंडे दिए। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन तेज हवा के चलते बाज का अंडा पेड़ से गिरकर मुर्गी के अंडों के बीच मिल गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन अंडों में से बच्चे निकले। धीरे धीरे वो सब बड़े होने लगे और सारे बच्चे एक साथ दिन भर दाना चुगते और थोड़ा ऊपर ही उड़ते और वापस जमीन पर आकर बैठ जाते। मुर्गी के उन बच्चों के साथ बाज का बच्चा भी वैसा ही करता था जैसा कि वो बच्चे किया करते थे। फिर एक दिन उन सभी बच्चों ने आसमान में एक बाज को निडर उड़ते हुए देखा। तब बाज के बच्चे ने उन सभी से कहा कि वो कौन सा पक्षी है जो इतना ऊपर उड़ रहा है। तब मुर्गी के बच्चों ने कहा कि वो हम सबका राजा है, वो हमेशा इतना ऊपर ही उड़ता रहता है, उसके जैसा हम कभी नहीं बन सकते। फिर एक दिन मुर्गी के बच्चों के साथ वो बाज का बच्चा भी नदी में पानी पीने गया। तब उसने खुद की परछाई नदी में देखी जो उन सबसे अलग थी। उसे लग रहा था कि वो आसमान में उड़ने वाले राजा के समान दिखाई देता है और इसी सोच के चलते वो निडर होकर उड़ने लगा और कुछ ही देर में वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा।